आयोजन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के दीक्षा भवन में किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत नाथ पंथ पर आयोजित पोस्टर प्रदर्शनी का अवलोकन यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह द्वारा किया गया। पोस्टरों के माध्यम से कलाकारों ने नाथ पंथ की विशेषता को बताने का कार्य किया है। इस दौरान एडीजी अखिल कुमार, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह सहित बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मौजूद रहे। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर टीपी सिंह ने बताया, ये दिखाई देता है और कुछ जो है शोध छात्र भी थे जो कि इस पर पीएचडी कर रहे हैं नाथ पंथ से संबंधित, उन्होंने भी इसको डिपिक्ट किया है। तो ये न केवल उनकी क्रिएटिविटी बल्कि ये है कि जो इनके इससे जुड़ा हुआ जो विज्ञान है, चाहे योग हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे आपका अध्यात्म हो, इन सब का चित्रण विद्यार्थियों ने किया है। तो मैं विश्वविद्यालय परिवार को, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह जी को और पूरे विद्यार्थियों को और जिन्होंने भी इसमें भाग लिया है आयोजन में, उन सबको मैं बधाई देता हूं और इससे लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिलेगी। मैं महसूस करता हूं कि विज्ञान और अध्यात्म ये सब और ज्ञान और विद्याएं सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की बात की जाती है तो उसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास और मनोवैज्ञानिक विकास, इसके साथ साथ जो है आध्यात्मिक विकास भी शामिल है, तभी जाकर के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो पाता है। इस तरह का जो ज्ञान है विद्यार्थियों को, ये उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में मुझे लगता है कि सहायक सिद्ध होगा और वो एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित होंगे। देखिए, मेरा ये सोचना है कि जैसे मैंने कहा कि मैं उसको ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म इससे जुड़ करके देखता हूँ और ये मानता हूँ कि जितनी भी विधाएं हैं जिसमें एक नाथ पंथ भी शामिल है, ये कुछ महापुरुष पुरुष अवतरित होते हैं किसी किसी रूप में और वे अपने माध्यम से एक आध्यात्मिक दृष्टि देते हैं लोक कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, सबकी भलाई के लिए। और क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारत की दृष्टि में शामिल है, इसलिए सभी विश्व का अच्छा हो, कल्याण हो, उस परिपेक्ष में इसको देखना चाहिए। सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के मंत्री व जनपद